और आदिवासी क्षेत्र में पूर्व में वसुंधरा सरकार ने पूर्ण ऋण माफ किया था, यानी 60,000 बीघा जमीन जो अलग अलग बैंकों में आदिवासी ने ऋण लेकर रहन की थी उसको छुटकारा देने का काम किया था, जिसमें कई आदिवासियों का के खाते में 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का ऋण हमने भुगतान किया था। कुल मिला के मेरा आरोप है सरकार पर कि सरकार ने सिर्फ आईवास करने के लिए, सिर्फ किसानों को धोखा देने के लिए ये इस प्रकार की घोषणा की है। 10 दिन में किसान का ऋण माफी करने की बात करने वाला किसान, राजस्थान का किसान, ये उम्मीद करता था कि उसके खाते के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर पूरी उस पर ऋण है, ऋण की अदायगी होकर उसका खाता में जितनी भी राशि है ऋण की वो माफ़ हो जाएगी, शून्य हो जाएगा, जो किसान का नहीं हुआ। और मेरा आरोप है लोकसभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने आला कमान के दबाव में बिना वित्तीय स्वीकृति के, बिना ये देखे कि ऋण की राशि कहाँ से आएगी, ये ऋण माफ़ी की घोषणा की है। हम ऋण माफ़ी के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के किसानों की संपूर्ण ऋण माफ़ी को लेकर उनके पक्ष की बात करते हुए सरकार को ये चेतावनी दे रही है कि अपने घोषणा पत्र के अनुसार अगर 10 दिन में किसान की ऋण माफ पूरा नहीं किया तो सदन से लेकर सड़क तक हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। कुल मिला के मुझे आपसे इतना ही निवेदन करना था। और इसके अलावा एक नोट जो इन पूरी भावनाओं के साथ अंकित किया हुआ मैं आपके पास भेज रहा हूं, और इसके अंदर जो आदेश 1912 का वो भी मेरे हाथ में है। मैं समझता हूं ये पहला आदेश होगा जिस आदेश के अंदर वित्त विभाग की द्वारा की आईडी नहीं है। बिना वित्त विभाग के आईडी के 18,000 करोड़ के भार को सरकार ने किस प्रकार जारी कर दिया। मैं समझता हूँ जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसको भी एक तरह से दता बताकर अभी से ये नई सरकार दिल्ली के दबाव में काम कर रही है। और इसी के कारण से अब तक राजस्थान के अंदर पहली बार हुआ है किसी मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्री के साथ शपथ ली हो और उन मंत्रीगण को भी उप मुख्यमंत्री जी का दर्जा दिए जाने के लिए एक विधिवत आदेश जो महामहिम राज्यपाल के द्वारा इसके यहाँ से निकलना था वो नहीं निकलने के पश्चात भी मंच से उनके संगठन के प्रभारी द्वारा ये घोषणा करना कि उन्हें उप मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया जा रहा है, ये हमारे संविधान के साथ, संवैधानिक प्रावधानों के साथ भी मजाक। तो मैं अब चाहूँगा कि सहकारिता मंत्री जी इस बारे में कुछ प्रकाश डाल देंगे, पूर्व सहकारिता मंत्री जी, ताकि आपके अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब स्वतः ही आपके पास पहुंच जाए, ताकि आपको प्रश्न करने के लिए हिमाकत नहीं करनी पड़े। क्या नहीं ठीक? नमस्कार, मेरे से पूर्व भी